इस महिला आईएएस ऑफिसर ने मुस्लिम इलाके में घुसकर जो किया देखकर मुख्यमंत्री योगी भी हुए हैरान। कब्रिस्तान ने किया सरकारी जमीन पर कब्जा, आईएएस ने चलवा दिया बुलडोजर, मुस्लिमों ने किया भयंकर विरोध, भारी पुलिस फोर्स लेकर पहुंची योगी की ऑफिसर। जी हां दोस्तों, यूपी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कैसे कब्रिस्तान सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपने इलाके को बढ़ाता जा रहा था और जगह जगह हिंदुओं को भगाकर उनकी जमीन पर भी कब्जा किया गया है, जहां हिंदुओं की आबादी बहुत ही कम है। लेकिन इन सब की जानकारी आईएएस वंदना त्रिवेदी को लगी, जो कि एसडीएम पद पर तैनात थी। इसके बाद उन्होंने सबकी हवा टाइट करके रख दी। ये भी आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए तो आप यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि कैसे आईएएस वंदना त्रिवेदी ने मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचकर डंडा अपने हाथ में लिया और माइक में अनाउंसमेंट के साथ बुलडोजर चलवा दिया। दोस्तों, इसके लिए आप लाइक जरूर कर देना। इन बहादुर आईएएस के लिए जो कि जिगर दिखाकर अवैध रूप से काम करने वालों पर कार्रवाई कर रही हैं। दरअसल यूपी में कब्रिस्तान की जमीन पर कई सालों से अवैध रूप से कब्जा चल रहा था, जिसकी लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कब्जा कम होने के बजाय और बढ़ता चला गया। और ऐसे में एक दिन वंदना त्रिवेदी डंडे और माइक के साथ उस जगह पर पहुंची और उन्होंने तुरंत ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। आपको बता दें कि इस कब्रिस्तान के आसपास लगभग 1 एकड़ सरकारी जमीन थी और इस जमीन के आसपास विशेष समुदाय के लोगों ने अलग अलग काम धंधे शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ लोगों ने बजरी के ढेर लगा दिए तो वहीं कुछ लोगों ने गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ऐसे में ये लोग हट नहीं रहे थे, बल्कि अपना कब्जा और बढ़ाते जा रहे थे, जिनमें कुछ लोगों ने कच्ची झोपड़ी नुमा दुकानें भी वहां पर खोल रखी थी। इसके बाद डीएम तक इसकी शिकायत पहुंचाई गई तो डीएम ने एसडीएम को इसकी जांच करने के लिए कहा और जब एसडीएम ने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि कागजों पर ये जमीन सरकार की है, जिसके बाद खुद डीएम वंदना त्रिवेदी पुलिस और प्रशासन के लोगों के साथ मौके पर पहुंच गई और वहां मौजूद लोगों को खुद भगाया और कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया। इसके साथ ही डीएम ने वहां के लोगों को चेतावनी भी दे दी कि फिर कोई इस जमीन पर कब्जा ना करे और अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और उसके साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि जिस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और अगर इसके एक भी हिस्से पर कब्जा हो गया तो समझ लो लाखों का माल फ्री में मिल जाता। जबकि दिलचस्प बात तो ये है कि इस जमीन पर लोग 30 से 40 साल से कब्जा जमा कर बैठे हुए थे और इस पर उन्होंने अपनी रेत और बजरी भी रखी हुई थी। ऐसे में डीएम ने आकर इसी रेत बजरी का इस्तेमाल करते हुए कब्रिस्तान की जमीन को समतल कर दिया और जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो डीएम ने खुद डंडा लेकर भीड़ को मौके से हटने के लिए कहा। ये देखकर विरोधी वहां से भाग खड़े हुए। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है हमारी इस रिपोर्ट पर? अगर आपको डीएम साहिबा का ये एक्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।